लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा भारतले बनायो ट्र्याक र नेपाल सरकारले गर्यो राजनीतिज्ञ नेपालको नक्साको सार्वजनिक। साथै भारतलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउन पाकिस्तानको ठाडो चेतावनी। तपाईँ हाम्रो हरपलको साथी एचपिटी अनलाइन टिभी हेरिराख्नु भएको दर्शकवृन्द, सम्पूर्णमा हार्दिक नमन नमस्कार गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, भर्खरै मात्र नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ भने यसको चर्चा परिचर्चाको आलोचना पनि यत्तिकै भइरहेको छ। भारतको पिएम नरेन्द्र मोदीले भने यसको ठाडै अस्वीकार गरेको छ। विभिन्न मिडिया कर्मी र कलाकार राजनीतिक कर्मीहरूले यसका खण्डन गरिरहेको बेला देश विदेशमा विभिन्न पत्र पत्रिका र मिडियाहरूमा पनि यसको चर्चा परिचर्चा छाइरहेको छ। त्यसै गरी पाकिस्तानका मिडियाहरूले पनि लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै हो भन्ने त्यो चर्चा गरेको छ। यो क्लिप तपाईँहरूको लागि। खूबसूरत मुल्क है ये, वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे यहीं पे, और काठमांडू, और इसमें इसके तीन तरफ भारत है, जनूब में, मशरिक में और मगरिब में, और शुमाल में एक तरफ इसके चाइना है और भूटान, और इसके दरमियान सिक्किम आ जाता है, ये वही सिक्किम जिसका कल जिक्र हुआ था जहाँ लड़ाई हुई। अच्छा, अब क्या हुआ कि जनाब भारत का एक इलाका है उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड से भारत ने एक जगह जो है वो लिपो लेक, लिपो लेक जो है वो है नेपाल के अंदर, ठीक, इन्होंने वहां से शुरू की और एक सड़क बनाना, और सड़क बना के ये लिपो लेक तक सड़क इन्होंने बना दी भारत ने, और इसलिए बनाई सड़क कि जो कैलाश के पहाड़ सुना होगा सब, बड़े खूबसूरत पहाड़ है कैलाश के, और जो कैलाश के पहाड़ है वो कैलाश के पहाड़ों के बारे में जो है वो ये बिल्कुल आप समझें कि ये हिमालय के साथ है, हिमालय से अलग है, ठीक, लेकिन जो कैलाश के पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बारे में ये कहा, ये हिंदू मत के अंदर ये बात जो है वो ये बड़ी अहम है, ये जो चोटियां हैं कैलाश के पहाड़ों की, ये माउंट एवरेस्ट नहीं, हिमालय नहीं है, ये केटू नहीं है, ये कैलाश के पहाड़ है, जो कैलाश के पहाड़ है इन चोटियों पे शिवा जी रहते हैं, और शिवा जी जो हैं वो अपनी बीवी जो पार्वती हैं, जो देवी हैं, उनके साथ, और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेवा और बाकी जो देवता हैं बड़े, उनके साथ इन्हीं पहाड़ों की चोटी में रहते हैं और अब भी हैं। अच्छा, एक तो यहां तक जो है वो, फिर उसके बाद वो बहुत सारे हजारों की तादाद में जो यात्री हैं वो इन पहाड़, इस पहाड़ की चोटी तक जाते हैं, कैलाश तक। अब जनाब, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं चढ़ते, मजहबी तौर पे पाबंदी है कि इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, क्योंकि इस पहाड़ पे शिवजी रहते हैं, और इसको फिर वो हिंदू मत में कहा जाता है कि ये जो भगवान है वहां पे बैठे हुए पहाड़ों पे, उनका और आसमानों के साथ ये रابطہ इस पहाड़ की चोटी के जरिए होता है। यहां पे जनाब एक सड़क बनाने की कोशिश की भारत ने, और भारत ने वो सड़क बनाई, और उन्होंने कहा ये 2018 में भारत ने वो इलाका जो कि इस पहाड़ के साथ है और जो कि काला पानी का इलाका है, उसे काला पानी कहें या लिपु लेक भी वहीं पे है, और काला पानी, काला पानी बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन बाहर काला पानी की जगह काली का दरिया है, इसको नेपाल वाले कहते हैं महाकाली का दरिया, लेकिन महाराज वो काला पानी है। अब इन्होंने एक सड़क बनाई जो उत्तराखंड से लेके लिपो लेक तक जा रही थी, तो एक इलाका भारत में और एक इलाका इन्होंने नेपाल के लिए, सही, और उसके नतीजे में नेपाल ने, यानी अब नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए, ये वो नेपाल जो भारत की ऐसी जेब में रखा होता था चंद साल पहले तक, नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए भारत के खिलाफ, और पिछले 24-48 घंटों में पहले तो नेपाल ने उस सड़क पे काम रोक दिया,
भारत ने सड़क अनाउंस की, हमने सड़क बना ली है और ये अगले हफ्ते से चालू हो जाएगी वाला। नेपाल ने काम रुकवा दिया। ठीक। उसके बाद नेपाल के वजारत खारजा ने, इसको तरफ बड़ा कीजिएगा प्लीज, ये अब ये जो है ये राजनाथ है मेरा ख्याल है, कौन है शख्स, अच्छा इन्होंने ये ऐलान कर रहे हैं कि हम उसका रूट को ओपन कर रहे हैं। अच्छा अब वो जरा फॉरेन मिनिस्ट्री, नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री एक जनाब धमकी दे रही है भारत को कि आप जो हैं वो हमारे इस हमारे इलाके पे कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने 370 जब से लगा है ना, जब तक कश्मीर को खाया है उसके बाद ख्याल है कि सारे मुल्कों को आसपास खाना हर जगह हर जगह मुंह मार रहे हैं इधर उधर। अच्छा अब मसला ये है कि इन्होंने ये घुसे नेपाल में, नेपाल ने कहा कि मतलब इंतहाई डिप्लोमेटिक जबान में दफा हो जाओ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काम रोक दिया। यहां तक नहीं हुआ, सिर्फ जिल्लत से जिल्लत है, नेपाल कहे भारत से कि दफा हो जाओ और काम रोक दो, ये हमारा इलाका है, और भारत रोक दे और फिर कहे कि हम दोबारा नक्शा बनाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। यहां तक भी मामला नहीं रुका, नेपाल ने भारत के साथ सरहदों पे अपनी फौज भेजने का ऐलान कर दिया। ये आप जरा बड़ा करें खबर को, ये तो हिंदू अखबार है अभी इंडिया का, वो थोड़ी देर पहले जना खबर लगा रहे हैं, ये जरा खबर बड़ा करें, इसको बड़ा करके दिखाइएगा, ये हिंदू अखबार है। काला पानी रो, नेपाल टू डिप्लॉय मोर फोर्सेस ऑन इंडिया बॉर्डर सेज फॉरेन मिनिस्टर ग्यावाली। यानी नेपाल मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत को धबरदोज करने के लिए तैयार है नेपाल। नेपाल पाकिस्तान को तो छोड़ गए आप, मगर नेपाल भी पहुंचे थे अब, और इंडिया के कह रहे हैं नहीं नहीं दोबारा देखते हैं सड़क को, हम इसका नक्शा बदल देंगे, ये जो काला पानी आपका होगा वो उनके, कह रहे नहीं हम फौजें खड़ी कर रहे हैं, फौजें नेपाल।